Good morning, students. I shall teach you about some other type of pronouns. Yesterday, I have taught you three types of pronoun: personal pronoun, demonstrative pronoun, and one more pronoun was taught to you. Now, other three pronouns, other pronouns will be taught today. Now we will read today the reflexive pronoun. रिफ्लेक्स का हिंदी जानते हैं, जिसका स्वयं के परिवर्तन हो रहा हो, यानी जब किसी कार्य को आप स्वयं करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। इसका जो आप हिंदी ट्रांसलेट करेंगे अगर वाक्य का, सेंटेंस का, तो आपको उसमें स्वयं शब्द जरूर मिलेगा हिंदी ट्रांसलेशन में। इसलिए यानी कि जिन प्रोनाउंस में हम self यानी सेल्फ जोड़ देते हैं वो सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे आई हैव डन My work, myself, you see here, this myself means स्वयं, मैंने अपना कार्य स्वयं किया। my अगर I कह सकते my आया, ये पजेसिव प्रोनाउन है। this my is the पजेसिव प्रोनाउन, myself is the रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस तरह से हम ये फर्स्ट पर्सन के साथ लिए, सेकेंड पर्सन के साथ देखें, यू हैव रिटेन You have written the letter yourself. Yourself is also, this is reflexive pronoun. Yourself. Like this, or third person pronoun, we can also take this example, he is not, he is not working, his work himself. This himself is reflexive pronoun. It means कि you have seen if we add self self in the word it will become the reflexive pronoun, इसका हिंदी अर्थ स्वयं, इसका हिंदी अर्थ होता स्वयं। जबकि पजेसिव प्रोनाउन में हम क्या करते हैं, उसका अर्थ अगर हम सेंटेंस का निकालते हैं तो उसमें अपना आता है, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य किया। इसमें स्वयं शब्द का प्रयोग होता है कि मैंने अपना कार्य स्वयं किया, उसने लेटर स्वयं लिखा, उसने अपना कार्य स्वयं किया। तो यहाँ पे आपको स्वयं शब्द यानी कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ और इट्स सेल्फ, दीज आर द वर्ड्स आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट
pronoun, relative pronoun. First you see the interrogative pronoun. इंट्रोगेटिव, जैसा कि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव का अर्थ ही होता है प्रश्नवाचक। तो हम अगर किसी चीज के प्रश्न को पूछते हैं तो उसमें हम जो इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं व्हाट, हु, हाउ, व्हिच, व्हेन, ये सब चीजों को हम प्रश्न पूछने के लिए इंग्लिश में प्रयोग करते हैं। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य होता है। हम जिस शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं वो शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, दिस व्हाट इज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु इज योर क्लास टीचर, then who, this is interrogative pronoun. How have you done your work? Now how, this is the interrogative pronoun. So it means आपको ये समझ गए होंगे कि हम जब भी प्रश्न पूछने के लिए किसी इंग्लिश शब्द का प्रयोग हम करते हैं वो सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, दिस ऑल आर, वेयर आर यू गोइंग, दिस वन सेंटेंस यू कैन डू इज आल्सो वेयर आर यू गोइंग। दिस वेयर इज आल्सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन वी विल सी रिलेटिव प्रोनाउन विच इज क्लोजली रिलेटेड टू द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। द एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन आर सेम। दीज वर्ड्स ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, दीज ऑल आर रिलेटिव प्रोनाउन टू, बट यूजेज आर डिफरेंट। इफ इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वी यूज द वर्ड्स what, who, how, where in the beginning of the sentence, this is, ये पहचान इसी बहुत अच्छी है, ठीक से देख लें ध्यान से। जब हम किसी वाक्य की शुरुआत हम प्रश्नवाचक शब्द से करते हैं तब वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। इन्हीं शब्दों को सेम what, which, where, when, इनको अगर हम बीच में रखते हैं सेंटेंस को बीच में तो वही रिलेटिव प्रोनाउन में बदल जाता है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन हम आपको बताते हैं, फर्स्ट व्हाट, व्हाट मीन्स आप जानते हैं क्या, हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यहां पे इसको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये किसी भी प्रोनाउन के संबंध में प्रयोग किया जाता है, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन को संबंध कारक सर्वनाम भी बोलते हैं। एग्जाम्पल सेम वही है, यूज इनका हम सेंटेंस के बीच में ले आते हैं वो पहचान हो जाती है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। I know what is he doing। ध्यान रहे what शब्द का प्रयोग होने के बावजूद भी relative pronoun में हम आप interrogative marks नहीं लगाते हैं, full stop पे खत्म करते हैं। दूसरी बात ये, व्हाट
नॉट ओनली क्वेश्चन मार्क में हम व्हाट व्हेन वेयर के साथ ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखें व्हाट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आया, आर हु के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आया, हाउ के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आया, वेयर के साथ ऑक्सिलरी वर्ब आया। लेकिन जब हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन में यूज करते हैं तो हम ऑक्सिलरी वर्ब को न करके डायरेक्ट हम प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं। ये मेन डिफरेंस है। और दूसरा पहचान यही है कि ये वाक्य के बीच में आता है। एक एग्जांपल और देखें, आई नो द मैन हु स्टैंडिंग देयर, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, मैं उस आदमी को जानता हूं जो वहां खड़ा है। इस तरह से जो शब्द का प्रयोग हुआ अर्थात व्हेन का हिंदी अर्थ कब होता है, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन में यूज करते हैं तो इसका प्रयोग जब में बदल जाता है। जैसे इट वॉज रेनिंग व्हेन ही केम, वर्षा हो रही थी जब वह आया। यहां पे जब देखेंगे कि जो व्हेन है ये इसका अर्थ यहां पे जब में चेंज हो जाता है, यानी कि ये कब में नहीं होता। कब में अगर प्रयोग होगा तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में चला जाता है। तो ये बहुत शॉर्ट डिफरेंस है, पहचान भी आसान है। जब हम इंट्रोगेटिव वर्ड से हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आता है, और सेम वही वर्ड व्हाट हु हाउ वेयर व्हेन इसी को जब हम सेंटेंस के बीच में ले आते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन में बदल जाता है। तो बच्चों आज आप ये केवल 3 प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, 3 कल बताया गया था, आपको 6 प्रोनाउन बताया गया अब तक, जिसमें आप 6 प्रोनाउन के एग्जांपल सहित आप इसको घर पे अच्छी तरह से अध्ययन करें, और आगे जो अभी 2 प्रोनाउन और बचे हुए हैं ये कल पढ़ाया जाएगा आपको। थैंक यू।